को बता दें बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडाल में पवित्र ग्रंथ कुरान रखने का आरोपी इकबाल हुसैन गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने कॉक्स बाजार से इकबाल को गिरफ्तार किया है। दुर्गा पूजा पंडाल में हनुमान जी की मूर्ति के पास कुरान शरीफ रखने के बाद से ही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा शुरू हुई थी। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त यही है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें इकबाल हुसैन नाम का जो आरोपी है उसे कॉक्स बाजार से गिरफ्तार कर लिया गया है और बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडाल में कुरान रखने का ही आरोपी था ये। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।